गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आज हम EBS का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्यौहार। इन द नेबरहुड पीपल सेलिब्रेट मैनी फंक्शंस एंड फेस्टिवल। कहता है कि हमारे नेबरहुड में जो लोग हैं वो बहुत तरह तरह के फंक्शंस और फेस्टिवल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल टुगेदर। मे बी आवर नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स और अ लोकल फेस्टिवल। कहता है कि हम सारे इन फेस्टिवल्स को इकट्ठा मिलजुल के मनाते हैं, फिर चाहे वो कोई नेशनल फेस्टिवल हो, मतलब कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, या रिलीजियस फेस्टिवल हो। रिलीजियस फेस्टिवल हो गया मतलब धार्मिक कोई फेस्टिवल हमारा त्यौहार, या फिर कोई लोकल फेस्टिवल हो। कहता है कोई भी फेस्टिवल हो, हम सारे लोग उसे मिलजुल कर इकट्ठा मनाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल, कि रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं और इसे कौन मनाता है। अ रिलीजियस फेस्टिवल इज़ द फेस्टिवल विच इज़ स्पेशल टू अ पर्टिकुलर रीजन रिलीजियस ग्रुप। कहता है कि एक रिलीजियस फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, मतलब कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग जो है स्पेशली इसे मनाते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है दशहरा और दिवाली। जैसे दशहरा दिवाली है, ये सिर्फ एक ही हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वही मनाते हैं, मुस्लिम लोग जो है इसे नहीं सेलिब्रेट करते। तो ये क्या हो गया हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल ब्रिंग जॉय एंड चेयर इन आवर लाइफ। कहता है ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ये हमारी लाइफ में जॉय और चेयर, मतलब बहुत ही खुशियाँ लेके आते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड प्रिपेयर टेस्टी फूड ऑन दीज होली ओकेजन्स। कहता है जो लोग होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं टेस्टी इस ओकेजन पे, ठीक है, इन मौक़ों पे। दे गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर प्रे टू गॉड। कहता है कि लोग उन जगहों पे जाते हैं जहाँ भी जो मतलब भगवान की जो जगह होती हैं, जैसे मंदिर वगैरह जो भी हो गए, वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अब रिलीजियस फेस्टिवल में सबसे पहले आता है हमारा दशहरा। दशहरा क्या होता है और इसे कैसे मनाते हैं? दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। कहता है कि दशहरा जो है वो किसका फेस्टिवल है, त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, इसे हिंदू लोग मनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, और इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ रामाज विक्टोरी ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। कहता है कि ये जो लंका के राजा थे रावण, उन पर श्री राम ने जो जीत पाई थी उसके सम्मान में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन रामलीला गोज ऑन फॉर 9 डे। कहता है इस ओकेजन पे, इस मौके पे जो रामलीला होती है वो 9 दिन की रामलीला चलती है। ऑन द 10th डे द एफिजीज ऑफ रावणा, कुंभकर्णा एंड मेघनाथ आर बर्न। कहता है कि इस 10th दिन पे, पहले 9 दिन की जो रामलीला है वो चलती है, और जो 10th डे होता है 10वें दिन में क्या होता है, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के जो पुतले होते हैं उन्हें जलाया जाता है। ए बिग फेयर इज़ हेल्ड इन एवरी टाउन एंड सिटीज। कहता है हर टाउन और सिटीज़ में क्या होते हैं, बड़े बड़े मेले वगैरह लगते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इन वेस्ट बंगाल दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। कहता है वेस्ट बंगाल में जो लोग हैं वो दशहरे को एज दुर्गा पूजा के जैसे मनाते हैं। पीपल मेक बिग आइडल्स ऑफ गॉडलेस दुर्गा एंड वर्शिप देम फॉर 9 डे। ऑन द 10th डे द आइडल्स आर इमर्ज्ड इन द होली वाटर। कहता है कि वेस्ट बंगाल में लोग दशहरे को दुर्गा पूजा के जैसे मनाते हैं। लोग इन दिन में क्या करते हैं, दशहरे वाले दिन दुर्गा माता की जो आइडल मतलब मूर्ति होती है उसे अपने घर लेके आते हैं और 9 दिन उस मूर्ति की वर्शिप मतलब पूजा करते हैं। और 10th डे में क्या होता है, फिर वो जो आइडल जो मूर्ति है वो अपने घर लेके आते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। फिर 10th डे में वो उन जो आइडल्स होती हैं, मूर्ति होती हैं, उनको पानी में विसर्जित कर देते हैं, मतलब मूर्ति विसर्जन जिसे कहते हैं वो कर देते हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो लाइट्स का फेस्टिवल है, मतलब रोशनी का त्यौहार है।
इट इज़ सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर दशहरा, और ये दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड वर्शिप गॉडलेस लक्ष्मी। लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चिल्ड्रंस वेयर न्यू क्लोथिस दे बर्स्ट क्रैकर्स इन द इवनिंग। कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और शाम के समय पटाखे फोड़ते हैं। पीपल लाइट देयर होम विथ कैंडल एंड अर्थनिंग लैम्प। अर्थनिंग लैम्प होते हैं दिए। लोग क्या करते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं किसके, कैंडल से, और जो अर्थनिंग लैम्प होते हैं मतलब दिए, उनकी मदद से। दे एक्सचेंज गुड विशेज, ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट वेयर विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और वो दिवाली के दिन क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो है अच्छी अच्छी विशेज, गुड विशेज, ग्रीटिंग्स और गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। फिर आता है हमारा गणेश चतुर्थी। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। कहता है कि ये जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इट इज़ कैरिड ओवर द 10th, और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। पीपल मेक ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ गॉड गणेशा। कहते हैं लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं गणेश भगवान की। दे वॉर्शिप दीज आइडल फॉर 9 days, और वो जो मूर्ति होती है उसकी 9 दिन के लिए पूजा करते हैं। ऑन द 10th day द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा इज इमर्ज ऑन सम रिवर और सी। और 10वें दिन 9 दिन तक पहले उन आइडल्स की, उन मूर्तियों की पूजा की जाती है, और 10th day में क्या होता है, फिर उन मूर्तियों को पानी में या किसी रिवर में या किसी सी में इमर्ज मतलब उसके विसर्जन कर किया जाता है। फिर आता है हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज़ द फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। रक्षाबंधन जो है वो ब्रदर्स भाई बहनों का त्यौहार है। इट इज़ द फेस्टिवल विच शो द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर। कहता है कि ये क्या, ये फेस्टिवल हमें बताता है कि भाई बहन के अंदर कितना प्यार है, मतलब भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ब्रदर गिव ब्लेसिंग एंड गिफ्ट टू देयर सिस्टर एंड द सिस्टर प्रे टू गॉड फॉर देयर ब्रदर्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। कहता है कि जो भाई होता है इस दिन क्या करता है, अपनी बहन को गिफ्ट देता है और ब्लेसिंग देता है, और जो सिस्टर होती है वो उसके अपने भाई की अच्छी लाइफ के लिए और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए क्या करती है, गॉड से प्रे करती है। तो क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।